नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीगन क्या होता है। लगभग 4 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था वीगन क्या है। मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए थे। एक ऑप्शन था इट्स अ वेजिटेरियन, ये वेजिटेरियन है। दूसरा मैंने बोला था ये सी फूड खाते हैं ये लोग जो वीगन होते हैं। तीसरा मैंने बोला था डेयरी प्रोडक्ट, और उसके बाद मैंने बोला था एनिमल प्रोडक्ट। तो 4 ऑप्शंस मैंने आप लोगों को दिए थे। लगभग 400 से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और लगभग 70% जनता ने बोला, आप लोग जो मुझे देखते हो, मेरे भाई बहन, मेरे बड़े छोटे, आप लोगों ने 70% लोगों ने बोला वीगन वेजिटेरियन होता है। तो बड़े ही दुख की बात है कि वीगन वेजिटेरियन नहीं होता है। तो जिन्होंने भी आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है। अब आप में से जो भी मुझे देखते हैं, आप लोग कौन हैं? आप लोग होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो, डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हो। आप लोग कौमी शेफ हो सकते हैं, कौमी 3, कौमी 2, कौमी 1, किसी भी कुजीन के हो, चाहे इंडियन हो, चाइनीज़ हो, कॉन्टी, बेकरी, पेस्ट्री, किसी के भी हो आप हो सकते हैं। या फिर आप ऑनर होंगे रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन या किसी भी होटल के, या फूड इंडस्ट्री से तो आप बिलोंग करते ही होंगे, तभी आप लोग मुझे अभी भी सुन रहे हैं। तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया था इट्स अ वेजिटेरियन, तो आंसर गलत है, इट्स अ एनिमल प्रोडक्ट। वीगन क्या होता है? वीगन होते हैं एनिमल प्रोडक्ट प्लस वो लोग हमारे जो नॉनवेज भी नहीं खाते हैं। तो पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आराम से समझाऊंगा यहाँ पे आपको। तो सबसे पहले वीगन क्या होता है, फिर से मैं उस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। और दूसरा, यहाँ पे जिनने भी आंसर दिया है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से बोलूँगा कि प्लीज़ अपने जो स्किल्स को है थोड़ा सा अपग्रेड कीजिएगा। जो भी फूड इंडस्ट्री में नया कुछ होता है, इवन ये कॉन्सेप्ट भी कोई नया नहीं है, आप उसके बारे में अपने आप को अपडेटेड रहिएगा, अपने बेसिक्स पे काम कीजिएगा। क्योंकि आप लोग हमेशा किसी रेसिपी के पीछे भागने लग जाते हैं, किसी और चीज़ के पीछे भागने लग जाते हैं, मुझे ये कुजीन लेनी है, वो कुजीन लेनी है, पर बेसिक्स का कभी भी ध्यान नहीं दे पाते। क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको बेसिक्स का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फिर से वापस आते हैं, वीगन क्या है। वीगन को समझने से पहले हम लोग 2 चीज़ को समझेंगे, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि वेजिटेरियन के अंदर ही हमारा जो वीगन आ जाएगा। वेजिटेरियन लोग वो लोग होते हैं जो किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाते हैं, किसी भी प्रकार का फ्लैश नहीं खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोग वो लोग होते हैं जो कि फ्लैश भी खाते हैं, और बाकी वो जो सब्जियाँ, फल फ्रूट सब कुछ खा सकते हैं। अब हम लोग नॉन वेज क्यों नहीं खाते हैं? हो सकता है कि हमारा धर्म अलाउ नहीं करता हो कि भाई हम किसी प्रकार का मीट खाएँ, या किसी पर्टिकुलर प्रकार का मीट खाएँ, या किसी पर्टिकुलर प्रकार की दारू को हाथ ना लगाएँ, या फिर दारू को या किसी प्रकार की चीज़ को हाथ ना लगाएँ। दूसरा, ये भी हो सकता है कि हमको उससे एलर्जी हो। तीसरा, हमारी बॉडी शूट नहीं करती है। चौथा, हमें डॉक्टर ने मना करा है। तो सिर्फ यही कारण होते हैं, यही 4-5 कारण होते हैं जिसके कि कारण हम एक पर्टिकुलर किसी आइटम को नहीं खाते हैं, या फिर हम लोग नॉनवेज को प्रेफर नहीं करते हैं, या बिल्कुल भी खाते नहीं है, टच भी नहीं करते हैं। तो ये बात यहां पे क्लियर हो जाती है, जो वीगन होते हैं वो नॉनवेज नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। अब यहां पे क्या होता है वीगन के अंदर, वीगन वो चीज़ भी नहीं खाते हैं जो कि एनिमल के द्वारा मिलती है। फ्लैश तो वो खा नहीं रहे, मीट नहीं खा रहे, पर एनिमल के द्वारा जो भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि दूध हो गया, जैसे कि दही हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, या आप बोल सकते हैं कि दूध से बनने वाली कोई भी चीज़। इसके अलावा जैसे कि हमारे शहद होता है जो कि हमको जानवर से मिलता है, वो लोग इसका भी सेवन नहीं करते हैं। तो वीगन वो लोग होते हैं जो कि मीट भी नहीं खाते हैं, और साथ साथ वो किसी भी प्रकार के एनिमल के प्रोडक्ट का भी सेवन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को वीगन बोलते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। इवन कई सारे पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स हो गए, क्लाउड किचन्स हो गए, या हेल्थ के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो वीगन के ऊपर चल रहे हैं। मेरे कई सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो कि वीगन डाइट पर जाते हैं, और वीगन डाइट पर जो रहता है कि मुझे पता नहीं वीगन डाइट का फ़ायदा होता ही नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद कभी ट्राई नहीं करी है, पर बोला जाता है कि ये बहुत ही अच्छी होती है, इससे आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है, आपके जो टेस्ट बड्स होते हैं वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी भी प्रकार की के डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते। क्योंकि अगर हम लोग इंडिया में, हम लोग बहुत ही ज़्यादा चाय और कॉफ़ी लेते हैं, और चाय और कॉफ़ी के अंदर हमारा दूध होता है जो कि हमारे पैलेट को ख़राब कर लेता है। जब हम लोग ये चीज़ें लगभग छोड़ ही देते हैं, हमारे डेयरी प्रोडक्ट जो कि हमारी डेली यूज़ में आ रहे हैं, चाहे दूध है, दही है, पनीर है, इवन हनी है, तो हमारे जो हमारे टेस्ट बड्स हैं वो भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। तो आपको इस छोटी सी वीडियो से मैंने यही बताने की कोशिश करी वीगन क्या है। वीगन वो व्यक्ति, वो इंसान होते हैं जो कि किसी भी प्रकार के एनिमल या फिर एनिमल प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते हैं। वो कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड जो भी चीज़ें होती हैं उनको खाते हैं, और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। तो प्लीज़ जो भी मुझे अभी देख रहा है,
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीगन के बारे में और क्या मालूम है। और जो भी हमारे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और अपनी अपने दिमाग में ये ज़रूर डाल देना कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पीछे एक डिटॉक्स वाटर के बारे में वीडियो बनाई थी, इसके अलावा मैंने जो गैस्ट्रोनॉमी कुकिंग होती है उसके बारे में वीडियो बनाई थी, तो ऐसी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे लिखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।